संवेग का मात्रक भी बता दिया था क्या होता है, कोणीय संवेग के बारे में सारी कहानी आपने बताई थी, उस कहानी को और बरकरार रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। आज का जो टॉपिक रहेगा, कोणीय संवेग कौन सा राशि होता है बताओ सब लोग, क्यों साइन थीटा इसमें उपस्थित होता है इसलिए इसको हम लोग सदिश राशि कहते हैं। आज कोणीय संवेग का मात्रक क्या होता है याद करो, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड होता है, बीमा एम एल स्क्वायर टी को माइनस वन होता है। और कोणीय संवेग के दिशा कैसे ज्ञात करते हैं, जिस तरीके से बल की दिशा होती है उसी तरह से कोणीय संवेग की दिशा भी आप ज्ञात कर सकते हैं। अनंत कण के लिए, बहुत अधिक कण हो उसके लिए कोणीय संवेग का सूत्र जो होता है वही बताए थे आपको, जे बराबर या एल बराबर सिग्मा बनाकर ऊपर एल लिखे थे और आई बराबर एक, और फिर आप लिखे थे एफ आई क्रॉस यानी गुणा के चिन्ह आर आई पी आई अगुणे आर आई आप लिखे थे। कल आपने इसको इतना तक जानकारी किया था, उस क्वेश्चन भी आपको दिया गया था कोणीय संवेग पर आधारित कि आप लगा के लेकर आएंगे, लगाए भी होंगे, बहुत मेहनत कर रहे हैं बाबू आप लोग, वैसे मेहनत करते रहिए, ये मेहनत का फल आपको आने वाला टाइम में मिलेगा, ठीक है। परिश्रम ही देश को महान बनाता है। आइए तो आज आपका एक टॉपिक रहेगा, बालक लोग सब लोग लिखेंगे बल आघूर्ण तथा कोणीय संवेग में संबंध स्थापित करना, ठीक है। आइए चले हम लोग सब लोग चले कि नहीं चले बताइए। हाँ आज का टॉपिक है फिजिक्स में बल आघूर्ण, बल आघूर्ण और कोणीय संवेग में संबंध। चलो भाई संबंध को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सलो ऊपर से लिखते रहना है ना, रिलेशन में का मतलब हो गया यहाँ पर बिटवीन, रिलेशन बिटवीन। अच्छा चलो इसको चाहो तो पहले लिख लो, चाहे इसको लिख लो, चाहे इधर से लिखो, पहले टार्क लिख लो, टार्क माने क्या होता है बल आघूर्ण, एंड लिखो, और कोणीय संवेग को क्या कहता है एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम देख लेना, मोमेंटम। अच्छा एक चीज बताओ तुम लोग, अगर ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है कोणीय संवेग में और बल आघूर्ण में संबंध, इसका मतलब क्या हुआ आपसे कि उसमें बल आघूर्ण होना चाहिए और कोणीय संवेग होना चाहिए, बल आघूर्ण का मतलब टा होना चाहिए, कोणीय संवेग का मतलब अगर यल से दिखाएं तो यल होना चाहिए। तो आप इसमें पहले कुछ कहानियां बनाते हैं, जैसे आप बनाते थे समझा रहे हैं पहले आपको कि माना कि कोई निकाय है, निकाय का मतलब मान लो कोई पिंड है और वह यन कणों से मिलकर क्या हुआ है बना हुआ है, और उसका द्रव्यमान क्या है यम है, तथा घूर्णन से जहाँ गति कर रहा है घूर्णन से उसके बीच की दूरी क्या है आर है, जैसे आप लिखते तो ऐसे लिख देंगे, तथा उसका रेखीय संवेग पी है और उस पर कार्य करने वाला जो बल है वो क्या है यफ है। इधर तो कहानी बना के आप लिख सकते हैं, और आपने पढ़ा था कि कण का बल आघूर्ण टा बराबर होता है, टा बराबर बल गुणे दूरी होता है यानी वेक्टर यफ क्रॉस वेक्टर आर होता है, और कोणीय संवेग आपने पढ़ा था यल बराबर वेक्टर आर इंटू वेक्टर पी होता है, और उसके बाद से आप समीकरण जो दो देख रहे हैं उसका आप डी बाई डी टी से गुणा कर देंगे, जब गुणा कर देंगे तो गुणा करने के बाद इसका अवकलन होगा, और जब अवकलन कर देंगे तो फिर आपका जो होता है सीध होकर के आंसर आ जाता है, क्या आता है तो आता है। तो पहले हम आपको लिख के बता दें सब लोग हैं, तो पहले कुछ बात लिखते हैं। देखो मान लो ये अच्छा घूर्णन अच्छा है, ये एक्स अच्छा है, ये वाई अच्छा है, यहाँ पर ऐसे कोई कण है, इसका पिंड यहाँ पर है, इसका द्रव्यमान मान लो यम है, और यहाँ से इसके घूर्णन से इसकी दूरी का वेक्टर आर है, इसका कोणीय संवेग वेक्टर पी। तो पहले लिख लो, माना कि एक निकाय का द्रव्यमान यम है तथा सदिश दूरी वेक्टर आर है, और इसका रेखीय संवेग वेक्टर पी है तथा इस पर लगने वाला बल यफ है, इस पर लगने वाला बल यफ है, ठीक। यह तो कहानी सब लोग जानते होंगे कि कैसे लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे। चलो कविलाख में
दर्द कर रहा है, होता है ये जिंदगी, सिर दर्द करेगा, पैर दर्द करेगा, हाथ दर्द करेगा, पेट दर्द करेगा, पीठ दर्द करेगा। लड़की लेकर तो 50 साल दर्द करी, में कोई शक नहीं है, वो कष्ट भोगे पड़ी 50 साल, उसके बाद से दर्द कम हो। चलो आगे बढ़ते हम लोग, मैंने बालू जी की टीचर से बता ली तो क्या होगा बाबू, आप पढ़े थे ना, पहले पहला कौन बताओ, सब लोग बताओ पहला कौन, टा बराबर, टा बराबर बल गुणे दूरी। अच्छा काम करते ना, इधर से लिखते थे, लंबा है, पहला कौन टा बराबर बल, हाँ वही गुणे दूरी, सभी का नंबर एक, ठीक ठीक, टाऊ कहीं टाऊ, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग बताओ सब लोग, सब लोग मिल के बताओ, यह लिखे न तो वेक्टर एल बराबर क्या होता है, संवेग गुणे दूरी होता है कि नहीं होता है, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर आर हो जाएगा, ठीक है। समीकरण नंबर दो लिख सकता है, यहाँ पर लिखते हैं दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में डी बाई डी टी से गुणा करने पर, गुणा करने पर तो क्या होगा, देखो वेक्टर डी एल डी बाई डी टी हो जाएगा बराबर वेक्टर पी डी बाई डी टी वेक्टर आर प्लस वेक्टर आर डी बाई डी टी वेक्टर पी। अच्छा एक चीज़ बता देते हैं, तो सुनो एकदम ध्यान से रखना, अगर कोई आपसे कहे कि एक्स वाई है इसका अवकलन करो, डी बाई डी टी का मतलब ही होता है अवकलन, तो पहले पहला पद है दूसरा पद, तो पहले एक्स लिखो तब डी डी वाई लिखो, तब वाई लिखो तब डी डी एक्स ऑफ एक्स, प्लट करके लिखते हैं, आगे पीछे करके लिखते हैं, अभी आप समझ जाएंगे। तो इसको आगे देखो, पी है ना, तो पी को हमने आगे रखा और डी डी टी रखा और आर को हमने पीछे कर दिया, एक बार आर को हमने आगे किया था, डी डी टी या पी हो गया, देख लो ध्यान से, सब लोग समझ ली कि नहीं समझे, हाँ बोलो सबको समझ में आया ना। सुनो अब आपको करना क्या है, यहाँ पर सिंपल सी बात है, जैसे है ना डी वेक्टोरियल बटा में डी टी, पहले वाला तो जगह पर वहीं उतार लेंगे, इसको आ जाएगा डी आर बटा डी टी प्लस वेक्टर आर, इसका हो जाएगा डी पी बटा डी टी, डी पी बटा डी टी, इधर आ जाओ सब, इसको मिटा देते हैं। अब देखो एकदम ध्यान से देखते रहना, इसको जैसे है ना डी एल वेक्टर डी एल बटा डी टी लिख लो बराबर, बराबर सब लोग जानते होंगे बाबू, इसको आप इसके आगे क्या करना है तुम लोग देखो ध्यान से, अब वेक्टर, अच्छा वेक्टर पी है ना बाबू, वेक्टर क्या है पी है और भाई डी आर बटा डी टी है, तुम जानते हो कि पी पी दरमा, इसको संवेग कहते हैं ना, संवेग किसे कहते हैं, दरमान और वेग को कहते हैं ना, तो यह हम इंटू वेक्टर पी लिख सकते हैं, ठीक है। आइए बताओ इसको क्या कहेंगे, सब लोग मिलकर बताओ इसको क्या कहेंगे, वेग कहेंगे ना, दूरी बटा संवेग को वेग कहेंगे, तो इंटू चलो गुणा के रूप में वेक्टर पी लिख दो, प्लस ये आर है तो आर उसे ही लिखो, आर है तो आर उसे ही लिखो, इंटू बताओ आई संवेग परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, बल बल, वह न्यूटन का द्वितीय नियम है ना, यह बराबर डेल्टा पी बटा डेल्टा टी, पढ़े भी होंगे संवेग सुरक्षा के नियम कहते हैं। अभी नहीं समझ में आएगा तो फिर हम बता रहे हैं आपको, एकदम आगे आपको सिखा देंगे, मेरा वादा है, ठीक है, एकदम ठीक है कि नहीं, ठीक, इतना समझ में आएगा सब लोग को, हाँ तो सुनो आप लिख देना डी एल बटा डी टी। अच्छा एक चीज़ बताओ सुन लो, सब लोग बताओ बाबू, कि अगर वेक्टर भी क्रॉस वेक्टर भी सेम होते इसका मान जीरो होता है कि नहीं होता, कुछ याद करो, आई क्रॉस आई होता है तो इसका मान जीरो होता है, जे क्रॉस जे होता है तो इसका मान जीरो होता है, तो वैसे ही आ गया है ना, तो इसका तो मान जीरो हो जाएगा, प्लस वेक्टर आर इंटू वेक्टर या फोइंग लिख, ठीक है, आप वेक्टर डी एल बटा डी टी लिख लो है तो जीरो, भाई आर इंटू ये आपके जगह पर क्या लिख सकते हैं, अभी बल अगुण आपको मैंने बताया था ना, तो क्या लिख सकते हैं, बल अगुण लिख सकते हैं ना आप यहाँ पर, टा लिखेंगे ना यहाँ पर, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि टा, इसके जगह पर टा लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण एक से, समीकरण भाई क्या है देखो, या फिर इंटू ये क्या है पी है क्या, नहीं यहाँ पर है, या फिर इंटू आर के जगह पर आप टाउ लिख सकते हैं, तो अब देखो यही आपका डेरिवेशन है, ये आपका सीध हो गया, यहाँ से कह सकते हैं सुनो कि कोणीय संवेग, अच्छा इसको क्या कहोगे, यल को कोणीय संवेग कहते हैं ना, कोणीय संवेग परिवर्तन की दर, कोणीय संवेग परिवर्तन की दर बल आघूर्ण के बराबर होता है, टा को बल आघूर्ण कहते हैं बाबू, बल आघूर्ण के बराबर होता है, यही आपका डेरिवेशन है, सीध हो गया, देख लो ध्यान से देख लो सब लोग सीखो, कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं, समझे हो,
यहीं पे फंसा होगा, तो सब सब दिक्कत है यार, यही मेन है। ये पी वैसे लिखोगे ना, डी आर बटा डी टी लिखो, और पी तो पढ़े ही होंगे ना, संवेग बराबर का इधर से बता रहे, संवेग बराबर का होता बताओ, द्रव्यमान गुण भी होता है ना, तो वही लिख दिया गया एम इनटू भी, और ये दूरी और समय के अनुपात को चाल कहते हैं, वही भी लिख दिया गया है। प्लस ये जैसे आर, और यहाँ तो आपको याद ही होना चाहिए कि ये आप लिखते हैं ना न्यूटन के द्वितीय नियम से डेल्टा पी बटा डेल्टा टी, तो ये आपने इसको लिख दिया, क्रास है सेम है तो जीरो, क्या हुआ वो तो ये तो ये महल ही है ना, और वेक्टर इस पर तो जीरो रखना ही है आपको, ये वाला दोनों पद के जब जीरो रखना ही है तो गुणा होगा तो जीरो है, तो सब जीरो ही हो जाएगा ना, इसलिए जीरो हो गया ये, और जैसे है वैसे ही आपने लिख दिया, और इसके जगह पर ये टा है ना तो ऐसे ही लिख दिया, तो डी एल बटा डी टी, और इसको संवेग परिवर्तन की दर कहेंगे, नीचे टाइम इसलिए दर का नहीं, गुणा नहीं करेंगे ना, ये सदिश इसीलिए तो लगाया गया है, डायरेक्टली गुणा थोड़े कर सकते हैं, इसका रूल है, इसीलिए वेक्टर लगाया गया है, ठीक है, क्यों ऐसा बताया गया है, इसीलिए इसको बताया गया, इसलिए हम लोग वेक्टर के बारे में पढ़े हैं, इस चीज़ को इस उसका यूज करेंगे हम, ठीक है, आ चुका है, तो इसके लिए संवेग कोण के संवेग परिवर्तन की दर होता है बला गुण के बराबर होता है, ठीक है, लिखा गया सबका, ये एक कण के लिए था, ठीक है, हाँ तो है मूड कब सरा जो ध्यान रखिए, बहुत तगड़ा गिरेबो कर आप, पहले वही आदमी गिराओ नहीं जहाँ से डिस्कशन करे ला चुन चुन के बहला को कल को कौनों के निकाय पता लिख लो निकाय का बहला को, वही कहानी हो गई यार, बल आघूर्ण और आज एक मिनट का टाइम बढ़ गया है, कोणीय संवेग मैं समझ, तुम एक मिनट की कीमत का जानो, एक मिनट सांस तारों के उलट जीवित हम उलट जाए, मुँह ऊपर हो जाएगी यार, इतनी मुँह ऊपर हो जाए तले को, अच्छा इसमें देखो कोई भी निकाय होता नहीं है, करो से मिलकर बना, जैसे आई एक्स अच हो गया, आई का हो गया वाई एच, अच्छा वही सूत्र वाला है देख लेना, ठीक बनो, लेकिन बस थोड़ा सा में डिफरेंस आए, आई निकाय है, यहाँ पर कोई कण है, इसके बीच की दूरी आर वन है, फिर मान लो यहाँ पर आर टू है, फिर मान लो बहुत ज़्यादा है आर थ्री है ना, इस तरीके से ये पहला कण हो गया था आर वन है, दूसरा कण हो गया था आर टू, तीसरा कण हो गया था आर एन, इस तरीके से अनंत है, ठीक है, इसको मान लो एम वन है, इसको मान लो एम टू है, इसको मान लो एम एन है, इधर लिख सकते हैं ना, तो खड़े इधर लिखो लिखो कि जब निकाय के लिए कहेगा तो बहुत ज़्यादा कण इसमें रहेंगे, लिखो माना कोई निकाय यन कणों से मिलकर बना है, फटाफट से लिखो, नहीं लिख रहेगा, अच्छा चलो वो लिख लेंगे, तो माना कोई निकाय यन कणों से मिलकर बना है, छोड़ दो आराम कर, तथा उनका द्रव्यमान एम वन एम टू एम एन है, यहाँ एम वन एम टू एम एन है, तथा इनकी स्थिति सदिश जरूर लिखे के पड़ेगा, स्थिति सदिश वेक्टर आर वन, वेक्टर लगा के लिखा है वेक्टर आर वन, स्थिति सदिश वेक्टर आर वन, वेक्टर आर टू, वेक्टर आर एन है, आर एन है, आगे लिखो, तथा उन पर लगने वाला बल वेक्टर एफ वन, वेक्टर एफ टू, वेक्टर एफ एन है, वेक्टर ओ पर बना लेंगे, है मुस्कान इधर आओ पढ़ोगे, वेक्टर एफ वन, वेक्टर एफ टू, वेक्टर एफ एन है, तथा इनका रेखीय संवेग नाटू रही जाता, वेक्टर पी वन, वेक्टर पी टू, वेक्टर पी एन है, अरे गिर जाओगी जी भैया कट जाएगी, कछुआ का ना हो जाओ बोल को कछुआ तक सुनाई तार कछुआ हो गया, अच्छा समझे उन्हों, जब भी माने निकाय की बात होगा तो निकाय की जब, अच्छा काय इतना लिख रहे हैं काय, हम लोग एम वन तो जरूर लिखेंगे, आर वन तो जरूर लिखेंगे, लेकिन हम ये अब क्यों लिख रहे हैं, ये कहानी आपकी है,
क्योंकि आपके टा बराबर यफ इंटू आर आएगा। अब पी क्यों लिख रहे हैं, यफ और पी क्यों लिख रहे हैं? हाँ, कोणीय संवेग की बात होगी तो संवेग लिखना पड़ता है, इसलिए। तो य निकाल के जब बात होगी आप जरा सोच कर बताइए मुझे, पहले आपने क्या लिखा था सोचिए, सोच करके आप सीधा बताएंगे क्या, कि सिंपल सी बात है सर कि आप पढ़े थे ना, बहुत ज़्यादा पहला गुण है तो टा बराबर काल बैठे, टा बराबर सिग्मा या आई बराबर एक या यन, यहाँ पर पेक्टर जाओ, ये जाओ बाबा आ गए तुम्हारे बाबा, जाओ 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 आराम से, जाओ आराम से, एक बार ऐसे लिख सकते हैं, अरे मान लो टा बराबर एफ वन, ए वन लिख देते फिर एफ टू आर टू, जाओ बाबा के जाओ, कुल कोणीय संवेग चली जाएगी, उसका पैर बारूद से बना हुआ है, हाँ बैक्टेरियल बराबर, यहाँ पर लिख सकते हो पी आई इंटू आर आई, और यहाँ पर सिग्मा, यहाँ पर क्या लिखोगे आई बराबर ए या इंटू आर, जा सोच के बताओ मुझे क्या ऐसे लिखा गया, समझ में आपको आया? देखो अगर इसको लिखना चाहते तो ऐसे लिखते, पहले आप टावन लिखते तो फिर उसके बाद से एफ वन आर वन लिखते, फिर आप टाटू लिखते, टा होता है तो टू तो कहोगे ना, टाटू लिखते तो एफ टू आर टू लिखते, टा थ्री लिखते तो एफ थ्री आई थ्री थ्री, होता है नहीं, ये कोणीय संवेग है ना, तो रेखीय संवेग और दूरी के गुणनफल को कोणीय संवेग कहते हैं, तो रेखीय संवेग को पी से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए लिखा गया है यहाँ आई बराबर एक, यहाँ पर यन होता है। अच्छा यन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यन कणों से मिलकर बना है, जब निकाय की बात होगी तो यन कर्ण आपको जरूर लिखना पड़ता है, इतना में कोई दिक्कत आपको तो होगा नहीं, बोलिए कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। आप जैसे आप दोनों पक्षों में क्या कर रहे थे ना, डी बाई डी टी से गुणा कर रहे थे, वही प्रक्रिया आप बताना है दोनों पक्षों में डी बाई डी टी से गुणा करना है। अच्छा गुणा क्यों करें बताओ, क्योंकि हमें सूत्र लाना है ना, क्या लाना है मालूम है, डी एल बटा में डी टी बराबर टा आपको लाना है, डी एल बटा में डी टी अपन टा आपको लाना है, चलो तो गुणा कर दो, टी बैक्टेरियल बटा में डी टी बराबर सिग्मा यन आई बराबर लचाओ तरह या तो मिलवा ना कर लाएंगे, अरे कुछ खेब निकल जाइ, चलो हो गया सब लिख लिए, कोई दिक्कत है इसमें बताओ, डी एल बटा डी टी सिग्मा यन आई बराबर, ओ बच्ची को दे दो उसको चॉकलेट का, हाँ कहीं क्या हो जाएगा इसमें, आई वेक्टर आई वन डी डी टी आई पी वन, जगह आपके किए थे आप पी आई वन प्लस पी आई वन डी डी टी, अरे तुम लोग पढ़ो, तुम लोग पढ़ो बांधा रोज गिरा तो उठाई अपन सिग्मा यन बाबा आई आर वन वहीं लिखा जाएगा, आई था सुनो आई डी पी आई वन डी टी प्लस पी आई वन आर डी आर वन बटा में डी टी, ठीक है तो डी एल बटा में डी टी बराबर सिग्मा यन आई बराबर ही वहीं लिखोगे। अच्छा बताओ इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, सोच के बताओ, ये आप लिख सकते हैं प्लस आई पी वन वहीं, अच्छा पी वन जब देखा फिर वही कहानियाँ हो जाएगा एम इंटू वेक्टर भी, और फिर इसके जगह पर लिख देंगे इन क्रॉस वेक्टर भी, फिर इसका मान जीरो हो जाएगा ना क्रॉस है तो आपके पास आ जाएगा कि डी एल बटा में डी टी बराबर है पूरा जीरो, और इसके जगह टा लिख सकते हैं ना, समय के एक से टा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बताओ, तो हो जाएगा यन कौनों के लिए, जब आप हल करके देखेंगे तो आपके पास आंसर निकल करके आ जाएगा, सर क्या आ जाएगा क्या आ जाएगा क्या आ जाएगा क्या आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा यही आएगा सिग्मा यन आई बराबर एक और कुछ तक लिख लो वेक्टर टा लिख दें कि आप इंटू आर लिखे बताओ, टा तो आपको सीध करना था ना, उसी में टा भी तो सीध करना था तो टा लिख लो, चलो लिख लो पहले एक काम करो, यहाँ पर यफ आर वन आई वन इंटू वेक्टर एफ आई लिख लो, अब चाहो तो इसको डी एल बटा में डी टी बराबर यन सिग्मा आई बराबर वन, इसके लिए आप लिख सकते हैं टा आई, तो इस तरीके से आपका सीधा।
टा है ना बेटर। चलो कुछ समझे ये बुझा रहा है, खाली छाप रहे हो तुम लोग। कुल बड़ा घर अगोल के बराबर होगा, कुल कोणीय संवेग कहा तो पढ़ा जल मालूम है दिमाग खोलने के लिए। बोला गुण के बराबर क्या कह रहे थे, ये तो जैसे वैसे ही लिख लो ना, टा बराबर या इन टू आर लिखनी है, कण होगा तो सिग्मा बना करके आप एन दिखा दीजिएगा, यहाँ दोनों जगह आई लिख दीजिएगा और नीचे आई बराबर ए, मैंने बताया था। अब समीकरण नंबर एक मान लो और कोणीय संवेग यल बराबर रेखीय संवेग और दूरी के गुणनफल करते हैं तो आई आई लगा करके एन आई वन, इसको दो मान लो चाहे छोड़ दो, दोनों पक्षों में डी बाई डी टी से गुणा तो यह है, तो डी एल बटा में डी टी सिग्मा बना लो जैसे बनाया गया एन जैसे वैसे ही और डी डी टी और ये जैसे है, चलो आगे पीछे करके लिख दिया कोई दिक्कत नहीं है, चाहे पहले ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं चाहे ऐसे कोई अंतर नहीं, ये जैसे वैसे इसको तो वैसे ही उतारा ही गया है। सिग्मा लिख लो एन आई बराबर एक आई आर वन डी डी टी पी आई वन प्लस पी आई वन डी डी टी आर वन, ठीक है, आर वन हो जाएगा डी पी आई वन डी टी और इस तरीके से आप इसको हल करेंगे तो आप, मैंने लगातार आपको बता रहे हैं इसको यह फाई कर लेना वहाँ थोड़ा सा, क्योंकि डी पी ये आपके न्यूटन के गति का द्वितीय नियम है कि जो बल होता है रेखीय संवेग पर होता है दर के बराबर होता है, इतना लिख लेंगे पी बराबर पढ़े होंगे एम आई वी आई लिख सकते हैं और जब गुणा करेंगे तो भी क्रास क्रास जीरो टोटल, ये तो पूरा पद जीरो हो जाएगा आपका, सिंपल सी बात आपकी, केवल इतना ही बचेगा इसको आपने लिख लिया और बल और दूरी के गुणनफल टा कहते हैं टा आपने लिख लिया, इस तरीके से इसको सीख कर सकते हैं, समझ रहे हो आपको। बोलो कोई प्रॉब्लम है आपको। अच्छा आप एक बार जरूर प्रयास करिएगा इसको अपने मन से सिद्ध करने के लिए, कोई भी सवाल इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ना अपने मन से उसको सिद्ध किया जाता है। मैंने जब भी लंच होता है ना तो हमारी कोशिश होती है कि हम अधिक से अधिक पढ़ें, लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं, क्या करोगे, मोबाइल पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं, 10 मिनट अगर पढ़ेगी सो जाती नींद आ जाती है। मोबाइल से पढ़ने लोग बहुत, मेरे घर के लोग तो समझो कि